स्क्रैच में ध्वनि के साथ एनिमेशन बनाना। अभी तक हमने सीखा कि एनिमेटेड स्प्राइट बनाने के लिए कैसे स्क्रिप्टिंग की जाती है। अब हम ये जानेंगे कि हम स्क्रैच में स्प्राइट के साथ ध्वनि को कैसे जोड़ सकते हैं। एक कहानी या गेम तैयार करते वक्त ध्वनि का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि एनिमेशन का। स्क्रैच में एनिमेशन तैयार करते वक्त संवाद, संगीत और ध्वनि यानी सभी की अहमियत होती है। एनिमेशन में संवाद, संगीत और ध्वनि यानी डायलॉग, म्यूजिक और साउंड को इंसर्ट करने में ब्लॉक पैलेट साउंड काफी उपयोग होता है। तो अब जानते हैं साउंड ब्लॉक पैलेट के बारे में। एनिमेशन में डायलॉग, म्यूजिक और तरह तरह की साउंड को इंसर्ट करने के लिए कई तरह के ब्लॉक होते हैं। ये सारे ब्लॉक हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। हमें जरूरत है तो बस स्क्रिप्टिंग में उचित ब्लॉक को शामिल करने की और हमारा कार्य हो जाएगा। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण ब्लॉक्स के बारे में अब हम जानेंगे। पहला ब्लॉक है प्ले साउंड। इस ब्लॉक में ध्वनि किसी कहानी या गेम में तब तक सुनाई देती रहेगी जितनी ध्वनि की अवधि है। दूसरा ब्लॉक है प्ले साउंड अंटिल डन। इस ब्लॉक में संगीत और ध्वनि तब तक सुनाई देगी जब तक कि स्टोरी या गेम खत्म नहीं हो जाता।